संसार में भला कौन ऐसा होगा जो जीते जी इस स्वर्ग यानी श्री केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं करना चाहेगा। इस जगह की जितनी बखान की जाए उतनी कम है। सीजन की इस चटकती धूप में श्री केदारनाथ धाम की बर्फीली पहाड़ियाँ मानो जैसी हर तरफ चांदी ही चांदी बिखेर रही। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत हम हरिद्वार से करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हरिद्वार से सुबह 6 बजे हम एक प्राइवेट टैक्सी से श्री केदारनाथ धाम के लिए निकले। आपको बताते चले कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार और ऋषिकेश से होती है। अधिकतर लोग इन्हीं दो जगहों से बस या टैक्सी बुक करके श्री केदारनाथ धाम या बाकी के धामों की यात्रा करते हैं। टैक्सी हमने कौन सी और कितने में और कितने दिन के लिए बुक की, ये हम आपको आगे बताएंगे। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है, जिसे बाय रोड 6 से 7 घंटे में पूरा किया जाता है। चूंकि हम ये यात्रा हेलीकॉप्टर से करने वाले हैं, इसलिए हमने हेलीकॉप्टर की बुकिंग गुप्तकाशी से ही किया है। तो हम जाएंगे गुप्तकाशी तक, जो कि सोनप्रयाग से करीब 30 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। हरिद्वार से गुप्तकाशी तक का ये सफर ऐसा है कि मन करता है कि बस ये रास्ता यूं ही चलता रहे। गगनचुंबी पहाड़ और कलकल करती नदियों के साथ चलती ये सड़कें आपको एक अलग ही अनुभव का एहसास करवाती हैं। तो थोड़ा आप भी इस मनोरम दृश्य का लुत्फ उठाइए। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी और फाटा जैसे कई बड़े शहरों से गुजरते हुए सोनप्रयाग पहुंचा जाता है। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में टैक्सी या बस का जो आखिरी पड़ाव है वो है सोनप्रयाग। उसके बाद गौरीकुंड, जो कि सोनप्रयाग से करीब 5 किलोमीटर है, वो वहाँ की लोकल शेयरिंग टैक्सी से आपको करनी होगी। फिर गौरीकुंड से करीब 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई, तब जाके कहीं आप दर्शन करेंगे श्री केदारनाथ धाम के। करीब 6 घंटे का सफर करके हम पहुंच गए गुप्तकाशी। गुप्तकाशी से थोड़ा सा आगे ही नारायण कोटी गांव है, जहां हेलीपैड बना हुआ है। यहीं से हम हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जी की यात्रा करने वाले हैं। वैसे ज्यादातर लोग फाटा से ही हेलीकॉप्टर बुक करते हैं, तो हमारा जो होटल है वो हेलीपैड के सामने ही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आज की रात हम यहीं रुकने वाले हैं और कल सुबह 6 बजे की पहली उड़ान श्री केदारनाथ जी के लिए हमारी ही होगी। तो आप गुप्तकाशी के इन कुछ नजारों और गड़गड़ाते हुए हेलीकॉप्टर को एंजॉय करिए। मिलते हैं कल सुबह।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हमारी हेलीकॉप्टर से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है, जो कि हम लगभग 4 मिनट में पूरी करने वाले हैं। तो अब हम आपसे मिलते हैं श्री केदारनाथ धाम पहुंचकर। करीब 4 मिनट का हवाई सफर करके हम पहुंच गए केदारनाथ धाम। अब हम यहाँ की क्या बखान करें, यहाँ तो बस कोई एक कोना पकड़कर बैठ जाइए और चारों तरफ अपनी नजर घुमाते जाइए, ना इस जगह की खूबसूरती खत्म होगी और ना ही आपकी आंखें थकेंगी। त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। दर्शन की तो करीब 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन है दर्शन के लिए, और इस बार तो यानी 17 अक्टूबर 2022 तक श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर नया रिकॉर्ड बना है। इस सीजन में अब तक 15 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है, जैसे बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दो प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। केदारनाथ के संबंध में लिखा गया है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल जाती है। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया, जो पांडवों द्वारा द्वापर काल में बनाए गए पहले के मंदिर की बगल में है। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है।
तथ्य के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे, वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमाहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए, इसलिए इन चार स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिवजी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ में आप जब भी जाएं, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हर तरह की व्यवस्था है, चाहे होटल या धर्मशाला हो, मेडिकल हो, खाने पीने की चीजें हो, सब है। बस जरूरत है आपके भक्ति की, उसके बाद तो भोले बाबा बैठे हैं यहाँ। तो आप बिंदास आइए और दर्शन करिए श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का। अब अंत में मंदिर के बारे में कुछ जरूरी बातें आपको बता दें। केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। पुनः शाम 5 बजे दर्शन हेतु मंदिर खोला जाता है। 5 मुख वाली भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है, इसीलिए केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है और यह सामान्यतः नवम्बर माह की 15 तारीख से पहले या वृश्चिक संक्रांति से 2 दिन पहले बंद हो जाता है और 6 माह बाद अर्थात वैशाखी 13 या 14 अप्रैल के बाद कपाट खुलता है। ऐसी स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को उखी मठ में लाया जाता है। इसी प्रतिमा की पूजा यहाँ भी रावल जी करते हैं, जो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। तो हमारे केदारनाथ की यात्रा यहीं समाप्त होती है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ जानकारी रह गई हो, जैसे टैक्सी, हेलीकॉप्टर और होटल के बारे में, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। संसार सारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं विदेवदिन्दे तवं भवानी सहितं नमामि। Oh, God.
विचार के सत्य और निर्भय पर।